सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, अगर आप सिग्नल ऐप को यूज़ करते हैं और आपके फ़ोन में सिग्नल ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आपके फ़ोन में सिग्नल ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से स्लाइड करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको इंस्टॉल इट पे कर देना है। ऐसे में गाइस, यहाँ पे आप इंस्टॉल इट पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन में जितना भी ऐप है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिग्नल एप्लीकेशन को खोजना है। तो यहाँ पे गाइस, मैं सिग्नल एप्लीकेशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो सिंपली से आपको उस पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है गाइस, वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डाटा का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको सिंपली से बैक आ जाना है और अपने सिग्नल एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेना है। उसके बाद गाइस, आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा और वर्क करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।